हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और डिलीशन हम जो है डिसअलाउ करना चाहते हैं, यानी कि अगर कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें डिलीशन को आप अलाउ करना चाहते हैं, ये कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर एक फॉर्म मैंने बनाया है और इस फॉर्म में मैंने वो प्रॉपर्टी को डिसेबल कर दिया है जो कि इसमें एडिटिंग करने की परमिशन देता है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ, हटाने की कोशिश करता हूँ या फिर डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना भी मैं कोशिश करूँ तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अभी ये होगा कैसे, इसी को समझेंगे। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे 5, अब ये नया रिकॉर्ड हम एंटर कर पा रहे हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कोई नाम और फिर यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे इनकी सिटी लिख दी, लाइक यहाँ पे कर दिया मैंने लखनऊ। ठीक है, क्या तो यहाँ पे ये हमें इसकी परमिशन देता है, इसको सेव कर लिया। तो अब ये कुल मिला के 6 रिकॉर्ड हो गए हमारे पास। जब इसको ओपन करेंगे हम दोबारा से, तो यहाँ कुल मिला के 6 रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, छठा रिकॉर्ड यही हमने एंटर किया था। तो ये हमें, लेकिन ये हमें नया डेटा एंटर करने की तो परमिशन देता है, लेकिन एडिटिंग की परमिशन नहीं देता। लाइक इसको आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा एक हमें बनाना हो डेटाबेस, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं और यहां से आ जाते हैं टेबल पर, और यहां से व्यू पे क्लिक करते हैं। टेबल 2 नाम है इसका। ठीक है, आप टेबल 2 के ही नाम से रख लेते हैं। यहाँ आईडी आ रही है, इसको आईडी रहने देते हैं। यहाँ पे नेम कर लेता हूँ, NAME नेम लिख लिया। और यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे और फिर यहाँ पे लिख लेंगे सिटी। तो ये कर दिया सिटी। ठीक है, और इसको भी टेक्स्ट रख लेते हैं। यहां से जाकर के इसको यस कर दीजिए और अब यहां पर वो नेम एंटर करेंगे जो नेम हमें करना है एंटर। तो लाइक यहां पे एंटर कर सकते हैं राम। ठीक है, और यहां पे सिटी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर कोई दूसरा लाइक सुप्रिया कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे कर देता हूं देवरिया। ठीक है, तो ये दोनों रिकॉर्ड हमने एंटर कर लिए हैं। अब इसको सेव कर लेता हूं। अब एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहां से क्रिएट पे चल के और डायरेक्टली फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। यहां से एक फॉर्म आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, बना बनाया। अब ये सब हम नहीं चाहते, ये टेबल 1 वगैरह इसको हटा देते हैं और ये एक्सेस का जो लोगो है। तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहां से इसका कलर भी हम बदल सकते हैं, लाइक ये कलर दे देता हूं मैं, और इसको यहां से जाकर के बोल्ड और कलर अगर कुछ दूसरा भी देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया। अब ये इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड एंटर किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आता हूं तो इसमें हम एडिटिंग कर पा रहे हैं, यानी कि इसको हटा करके किसी दूसरे का नाम लिखना हो तो लिख देंगे हम। लेकिन हम जो डेटा बेस बनाना चाहते हैं इसमें हम ये चाहते हैं कि एडिटिंग पॉसिबल ना हो, ये कैसे होगा? इसके लिए जो फॉर्म हमने बनाया, ये टेबल 2 के नाम से फॉर्म बन गया है, इसको सेव पहले करता हूं। इसे मैं करता हूं फॉर्म 2 के नाम से इसे सेव कर देता हूं। अब ये फॉर्म 2 के नाम से सेव हो चुका है। ठीक है, यहां पर कोई नाम लिख देता हूं जो लिखा हुआ था, लाइक सुप्रिया, और यहां पे सपोज कीजिए देवरिया। ये ऐसे कर दिया हमने। अब इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव कर लिया। अब देखिए इसमें दिक्कत ये है, इसको भी हटाते हैं सबको। अब देखिए यहां पर राइट क्लिक करिए आप। ठीक है, और यहां पर करना क्या है, यहां पर इसको डिजाइन व्यू पे ले लीजिए सीधा। ठीक है, डिजाइन व्यू पे ले लिया। अब यहां पर क्लिक कर दीजिए, ये फॉर्म की प्रॉपर्टी है। यहां पर क्लिक करने से फॉर्म की प्रॉपर्टी खुल जाती है। तो ये खुल गया है। अब यहां पर नीचे की तरफ थोड़ा आ जाइए, यहां पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है अलाउ एडिशन, इसको हम कर देते हैं यहां से नो, कर दिया। फिर यहां दिया हुआ है अलाउ डिलीशन, इसको भी कर देते हैं नो। और फिर यहां पे दिया हुआ है अलाउ एडिट, तो इसको भी नो कर दीजिए, और चाहे तो फिल्टर को भी नो कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहां पे आते हैं। अब देखिए यहां पर कोई एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। यहां पर कितना भी आप एडिट करने की कोशिश करेंगे आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां से मैंने सेटिंग कर दी। अब इसके लिए आपको एक लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज एक छोटा तरीका तो मैं बता ही रहा हूं। यहां से जाकर के आप खाली इसको डिसअलाउ कर दीजिए, ये एडिटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो उस कंडीशन में ये एडिटिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, यानी कोई एडिट करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि यहां पर जाता हूं, यहां पे जाता हूं, अब ये नया रिकॉर्ड हमें एंटर करने ही नहीं देगा।
तो हम ये चाहते हैं कि एडिटिंग तो पॉसिबल ना हो पुराने डेटा में, लेकिन नया वाला डेटा हमें ये एंटर करने दे, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए यहां पर आ जाइए वापस से, और जहां हम अभी गए थे वहीं पर चलना है वापस। तो ये रहा, अब ये अलाउ एडिशन वाला जो फीचर है ना, इसको यस कर देते हैं, खाली इसको यस कर दीजिए, यस कर दिया, अब यहां से ओके कर दीजिए। तो यहां पर अब कोई एडिटिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर नया रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहते हैं, लाइक यहां पे मैंने कर दिया सुरेश और यहां पे सिटी कर दिया देवरिया, तो ये जो है हमें एडिट करने देगा। अब देखिए यहां पे ये एडिटिंग पॉसिबल है कि नहीं, अब देखिए एडिट कर दिया ना मैंने, थर्ड नंबर वाला रिकॉर्ड एंटर कर दिया। अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखता हूं मोहन और यहां पे करता हूं देवरिया, तो ये देखिए थर्ड रिकॉर्ड के बाद फोर्थ रिकॉर्ड भी एंटर कर दिया हमने और सेव भी कर दिया इसको। तो कुल मिला के हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो गए, फोर रिकॉर्ड हो गए। अब यहां से पीछे चलते हैं, देखिए ये फोर्थ रिकॉर्ड, ये थर्ड रिकॉर्ड, ये टू रिकॉर्ड और ये वन पहला रिकॉर्ड। तो इस तरीके से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं और उसको डिसअलाउ भी कर सकते हैं, यानी कि डिसअलाउ कर देंगे तो वो एडिटिंग करने नहीं देगा, अगर अलाउ रखेंगे तो एडिटिंग करने देगा। अब एडिटिंग ना करने दे ली, कोई ना कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि आप डिसअलाउ कर दीजिए, और चाहते हैं कि नया रिकॉर्ड एंटर करे तो उसके लिए आप एडिशन को, मींस की अलाउ एडिशन को यस रख सकते हैं। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।